हमने एनर्जी के लेवल्स को डिस्कस किया था, और हमने ये डिस्कस किया था कि तीन किस्म के बैंड्स हैं, जो लोअर एनर्जी बैंड है उसको वैलेंस बैंड बोलते हैं, जो अपर एनर्जी बैंड है उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं, और जो इनके बीच में गैप है इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। इस फॉरबिडन एनर्जी गैप के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस मेटल होगा, इंसुलेटर होगा या फिर सेमीकंडक्टर होगा। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई भी ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये अगर बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ये इंसुलेटर है, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को एटम में से निकाला नहीं जा सकता, और क्योंकि एटम में से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो वो इंसुलेटर है। और जिसमें ये गैप बहुत ही थोड़ा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर है, मेटल है। और जिसमें ये एवरेज होता है कि जीरो केल्विन पे तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं और ज़रा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्शन में चले गए, तो इसमें हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं। तो हमने ये क्लासिफिकेशन लास्ट टाइम की थी सेमीकंडक्टर्स के अंदर, ये हमने सारा किया था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, इलेक्ट्रॉन जो आखिरी एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करता है, उस आखिरी एनर्जी लेवल को हम क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल। क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल। आज हमारी क्लास का जो फर्मी लेवल है वो 1, 2, 3, 5 स्टूडेंट हैं वहाँ बैठे हैं। तो आपके बेंच अगर एनर्जी लेवल, ये पहला बेंच एनर्जी लेवल है, लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी, हायर एनर्जी, हायर एनर्जी, सबसे हायर एनर्जी, तो वो सब आखिरी जो ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन है वो फर्मी लेवल है। उसके बाद भी बेंच हो सकते हैं पर वो फर्मी लेवल नहीं है क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट नहीं बैठा हुआ, ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं बैठा हुआ। ज़रूरी है फर्मी लेवल, क्योंकि आज हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे उसमें फर्मी लेवल चेंज हो जाएगा। फर्मी लेवल कैसे चेंज होगा आज डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट, इससे पहले कर लिया था चेक कर लो।